आज आप इफ्तार कार्यक्रम में आए थे, क्या कहेंगे आप इस पर? यह बहुत पवित्र महीना आखिर रमजान, सभी को जनपदवासी, प्रदेशवासी और देशवासियों बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद है। यह जो पाके रमजान चल रहा है, मैं अभी चंपा बाग में हमारे मित्रों द्वारा आयोजित रोजा इफ्तार कार्यक्रम में मैं आया, रोजा इफ्तार कर लिया, इफ्तार कर लिया और मैं बहुत प्रसन्न भाव से कह रहा हूँ। एक बहुत अच्छा यह कार्यक्रम, मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से सबको बधाई और शुभकामनाएं दे रहा हूँ। विधायक जी, ऐसे में देखा जाए अभी हाल ही में ये कुछ जगह पे समुदाय लोग को टारगेट कर दिया किया गया है, ऐसे पाक रमजान में। अभी आपने कहा कि पाक रमजान महीना है, तो ऐसे में क्या दर्द, क्या कहेंगे मतलब ऐसे लोगों को? दर्द मित्र कैसे कहा जाए, हम तो साफ बता रहे हैं, सब धर्म का हम सम्मान करते हैं, सब धर्म का आदर करते हैं, हम जरूर हिंदू धर्म के हैं, आप भी इस्लाम धर्म को मानने वाले, तो उसमें कोई मुझे परहेज नहीं, कोई मुझे गिला शिकवा भी नहीं। आप अपना त्यौहार मनाएं, मैं अपना त्यौहार मनाऊंगा। कुछ लोगों का जो वही व्यवसाय है वो कैसे शांत रह सकते हैं, कैसे कुछ न कुछ खुरफात करते रहेंगे। इसलिए अब पार्लियामेंट का चुनाव आ गया है, अब पार्लियामेंट का चुनाव नज़दीक है, तो आप समझ रहे हैं कौन कौन सा हथकंडा अपनाया जा सकता है। बिहार अभी शांत था, अब पार्लियामेंट का चुनाव आ गया, भाजपा से गठबंधन टूट गया, तो क्या क्या हो रहा है आप लोग देख ही रहे हैं हर बात को। आज सारे लोग समझ रहे हैं कि क्यों हो रहा है। अब कुछ राजनीतिक दल गृह मंत्री कह रहे हैं कि दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा, क्या कहेंगे आप? अब मित्र ज़्यादा मत मुंहवाइए, दंगाइयों को बख्शा, यदि ईमानदारी से काम करेंगे तो दंगाई कौन है उसका अंदाज़ा लग जाएगा। पहले ईमानदारी से, अब दंगा हमने किया और टारगेट डॉक्टर समीर सिंह को बनाया जाएगा, ये अच्छा नहीं। यदि दंगा मैंने किया, दंगा तहसीन भाई ने किया या कोई भी किया, किसी धर्म को मानने वाला, तो ईमानदारी से होना चाहिए जांच, ईमानदारी से कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है।